उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत पर राजनीति गरमाई स्वामिनी दर्शन भारती को मिला धमकी भरा पत्र। उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मामले में ओबीसी द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई। महापंचायत को देखते हुए शासन प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहे हैं और उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू करके भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। महापंचायत का समर्थन कर रहे देवभूमि रक्षा अभियान संस्थापक और निरंजनी आंकड़े के संत स्वामी दर्शन भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उनका सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। इस संबंध में देहरादून पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है मगर वो किसी धमकी से डरने वाली नहीं है। सनातन धर्म संस्कृति के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड से लव जिहाद लैंड जिहाद राक्षस को बाहर किया जाए। वही ओबीसी को लेकर दर्शन भारती का कहना है कि उनके कहने से महापंचायत पर रोक नहीं लगेगी, ना ही उत्तराखंड के लोगों ओबीसी को जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि ओबीसी पाकिस्तान और जिहादियों का एजेंट है। स्वामी दर्शन भारती को मिली धमकी के बाद संत समाज भी काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। स्वामी आदियोगी महाराज का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को खुलेआम धमकी देना यह निंदनीय बात है। इस तरह की जिहादी प्रतित्व के लोग पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इनका कहना है कि संत समाज हमेशा ही जिहादियों के युद्ध करता रहा है। जिहादियों ने जितने भी सर कलम किए हैं उनके बावजूद भी संत समाज कभी झुका नहीं। स्वामी दर्शन भारती ने उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। इसका कहना है कि ओवैसी जैसे लोग की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, यह दोगली राजनीति करते हैं। हमारा संत भीमाज एकजुट है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बताती है देव भूमि की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। इसका बकरा तो हूँ नहीं कि वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में खरीद लें। मैं हिंदू धर्म रक्षक हूँ। मेरे सर की कीमत मेरी संस्कृति है, मेरा धर्म है और मेरे धर्म के लिए अगर मेरा सर चले भी जाएगा तो निश्चित रूप से हजारों सर पैदा होंगे। मुझे अपने भावी भविष्य पर इतना बड़ा भरोसा है कि मेरे भावी भविष्य मेरे सर कलम होने के बाद भी इस लड़ाई को 10 गुना तेज करेगा, तो मेरे अपने सर की कोई चिंता नहीं है। और जहां तक सर कलम करने वाली बात है, ये तो बहुत सारी धमकियां दे चुके हैं और रोज धमकी देते रहते हैं। हमारा काम अपनी जनता को जागरूक करना है और देवभूमि की सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हम उसके लिए कार्यरत रहेंगे हमेशा। देवभूमि से लव जिहाद लैंड जिहाद रूपी राक्षस हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि ओबीसी के कहने से न महापंचायत पर रोक लगेगी, न यहाँ के लोग ओबीसी को जानते हैं। हम ओबीसी को तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, एक नाम सुनते हैं। हम ओबीसी को एक नाम है जो पाकिस्तान का समर्थक है, जिहादियों का समर्थक आदमी है, इतना हम जानते हैं। पता नहीं कौन है वो ओबीसी, उसके कहने से यहाँ उत्तराखंड में कुछ होने वाला नहीं। मतलब धमकी खुलेआम देना किसी को, ओपन खुला लेटर घर में पर्चे फेंकने, मैं समझता हूँ ये तो बहुत घटिया है। ये जिहादी संगठन जितने भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और साधु संत समाज, यानी पता नहीं है जिहादियों को, ये साधु संत समाज हमेशा से सनातन की लड़ाई लड़ता रहा, तुमने कितने भी सर कलम करे ये संत समाज आज तक झुका नहीं है। एक स्वामी दर्शन भारती सिर्फ नाम नहीं है, उन्होंने इस राज्य के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया है, हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन बलिदान किया है। देखिए, ओवैसी ओवैसी इस तरह के जो पाकिस्तान के एजेंट है, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो हमेशा ही से ही दोगली राजनीति करते हैं, ये तो राजनेता हैं। और हमारा साधु संत एकजुट है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इस देवभूमि की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। हमेशा जिस प्रकार से बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजऋषि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, और हमें भी इस धर्म युद्ध में यूं ही चलते रहना होगा।